हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 17 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, निर्देश निम्न संधियों में कौन सा संधि विच्छेद सही है। पावक, पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पावक का संधि विच्छेद होता है पौ धन अक। जब आप इसे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसकी संधि हो जाती है पौ धन अक। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो पावक में संधि हो जाएगी अयाधि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ने धन अन, ने धन अन, इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ने धन अन, ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया जाएगा आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बना? ए प्लस आ मिलकर बना जाके ए, आय बन गया। तो नियम के अनुसार आय किस में आता है? तो नियम के अनुसार आय आता है अयाधि स्वर संधि में। तो ने धन अन यानी नयन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने धन अन से बनेगी नयन, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। तो अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। यथा अनु प्रति बड़ा आ भर उद हर। स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा आ रहा है, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा इसमें है, यथा यथाशक्ति अनुप्रति प्रतिदिन आडंबर भरपेट उदय हर दिन। ये सब किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। और अव्ययीभाव समास आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इन शब्दों को नोट कर लीजिए किसी कॉपी। जैसे कि भरपेट आ गया यानी पेट भर के, प्रतिदिन आ गया जैसे कि, उदय आ गया हर दिन हो गया जैसे कि, तो यहाँ पर होता है आपका अव्ययीभाव समास, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास करने का जो तरीका है वो यही है। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप अव्ययीभाव समास चुटकियों में कर सकते हैं। मलिन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुथरा, मल रहित, स्वच्छ, साफ। मलिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, मलिन का विलोम शब्द होता है स्वच्छ, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, निर्दय, निष्ठुर या निठुर? करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरु, शिखारी, महीधर, धरणीधर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है महीधर। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, आर्दि। ये सभी शब्द ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य, कमल, प्रातःकाल या कुकुट?
अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरुण का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शंस में सूर्य, सूरज, अंशुमाली, अर्क, आदित्य, कमलबंधु, कर, खग, ग्रहपति, छायापति, कायानाथ, तपन, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, प्रभाकर, भानु, भास्कर, ये सभी शब्द अरुण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? सरस, मीठा, रसीला या स्वाद वाला? नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, नीरस का विलोम शब्द होता है सरस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, अवनत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति, उन्नत, अन्नत या बढ़ना? अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 17 दिन शेष बचे हैं। 17 दिन में जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग हिंदी की, उतनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ हिंदी का, जिसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सीरीज कंटिन्यू आप लोगों की चालू रहेगी, ठीक है। अवनत का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। क्या होता है? उन्नत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखिएगा, जलधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सागर, काशार, ताल, पद्माकार। जलधि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जलधि का पर्यायवाची शब्द होता है ताल। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गाइस, ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गुरु, आगामी, बड़ा या पूज्य? ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द होता है बड़ा। जैसे कि आपका बड़ा भाई है, आप उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, तो ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ा, बूढ़ा, अग्रज या जेठा, ये भी आप कह सकते हैं। ये सभी शब्द ज्येष्ठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका मुहावरा क्या होगा? बनावटी व दिखावटी परहेज, वी है गुड़ अच्छा लगना, सी है विपरीत कार्य, डी है इधर उधर की सामग्री एकत्र करना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मुहावरा होता है बनावटी व दिखावटी परहेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु, वायु, पावक, तीखा। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नयन का पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में चक्षु, दृग, नेत्र, विलोचन, दृष्टि, आंख, लोचन ये दिया हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द नयन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इत्यादि में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? सबसे पहले आप इत्यादि की संधि कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। तो इत्यादि की संधि होती है इति, धन, आदि, ठीक है। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बन गया। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर या आता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर होती है यण स्वर संधि। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दयिता का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनाथ, कृपा योग्य, दयालु, प्रियतमा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारे वीडियोज पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो पर लाइक ज़्यादा आने चाहिए, लाइक तो आप लोगों के दिख ही नहीं रहे हैं। दैता का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, दैता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रियतमा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस रस को रसराज माना जाता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस या हास्य रस? किस रस को रसराज माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कब होता है? भूतकाल अकर्मक क्रिया होने पर,
वर्तमान संक्रमक क्रिया के होने पर, सी है भविष्य काल होने पर, डी है भूतकाल संक्रमक क्रिया होने पर। हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कब होता है ये आपको बताना है, भूतकाल संक्रमक क्रिया होने पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, वाक में अशुद्धि है, करण में, क्रिया में, कर्ता में या कर्म में। अभी यहां पर जो है आपका में है कि वाक्य में बैंक कर्मचारियों की, कर्ता ने कर्म को, यह आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, तो इसे आप याद कर लिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, वाक्य में अशुद्धि क्या होगा, क्रिया में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कुरु कुरु स्वा के रचनाकार कौन है, कमलेश्वर, मनोहर, श्याम जोशी, अमरकांत, राजेंद्र यादव। अगर आपको धुंधला दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। कुरु कुरु स्वा के रचनाकार कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो कुरु कुरु स्वा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि खंजन नयन के लेखक का नाम बताइए, अमृतलाल नागर, सूरदास, वृंदावन लाल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र। खंजन नयन के लेखक का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों खंजन नयन के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रति परिकथा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रेणु। प्रति परिकथा के लेखक कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो प्रति परिकथा के लेखक हैं रेणु। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, अशोक के फूल, तमाल के झरोके से, कुटच, देवदास। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों देवदास जो है ना, देवदास ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञासे ज्ञानी किन वर्गों के योग से बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। ज्ञासे ज्ञानी किन वर्गों के योग से बना है, ज्ञासे ज्ञानी जो है ये गा और या के योग से बना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, बुक के अनुसार ये गलत क्वेश्चन होगा। ज्ञासे ज्ञानी जो है ना जा प्लस या के योग से बना है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बुक्स में आंसर जो है वो गलत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि मनवंतर में संधि विच्छेद कीजिए, तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, मनवंतर का संधि विच्छेद होगा मनुधन अंतर, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मनुअंतर जो है ना ये एक संस्कृत शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर मनुधन अंतर होता है। क्या होता है, मनुधन अंतर। वैसे तो अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मनुधन अंतर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मनुअंतर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राणी मात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 5 स्टार लगा लीजिए। प्राणी मात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। प्राणी मात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, प्राणी धन मात्र, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही ईजी आसानी से बता सकते हैं आप लोग, तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धनमय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तन्मय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो तन्मय में व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस पद में द्वंद समास नहीं है, किस पद में द्वंद समास नहीं है। देखिए रात और दिन बीच में योजक चिन्ह है, इसमें भी द्वंद समास हो जाएगा, इसमें भी राम लक्ष्मण में भी योजक चिन्ह है, इसमें भी द्वंद समास हो जाएगा। राधा कृष्ण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद समास होते हैं, तो राधा कृष्ण में भी द्वंद समास होगा। बचा आपका नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रय समास, यानी कि नीलाकंठ है जिनका, भगवान शिव, जब किसी वाक्य में
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी कि तुलना की जाए एक दूसरे की तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधार समास होता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा मेरे प्यारे साथियों, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, बहुपद समास, द्विगु समास या कर्मधार समास। थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है तो आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बीच में जब योजक चिन्ह होता है तो द्वंद्व समास होता है और जो संख्यावाची शब्द होता है वो होता है द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, नवग्रह और भी होते हैं बहुत सारे, हमको याद नहीं आ रहे हैं। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाए क्योंकि द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस पद में उपसर्ग नहीं लगा, ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, निर्दय, कुशंग, बेहोश, परंपरा, परस्पर। तो परस्पर में उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही कथन चुनिए, इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों उपसर्ग शब्द या शब्दांश के आदि में जुड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ, यज्ञ, विज्ञ, जिज्ञासु। जो कुछ ना जानता उसे क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जो कुछ ना जानता उसको हम कहते हैं अज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लज्जित होने के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। लज्जित होना, अगर मगर करना, जूते चाटना, चूड़ियाँ पहनना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। लज्जित होने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि वो बात किसी को पता ना चले, वो पता बात पता चल गई किसी को तो आप क्या करेंगे, आपको कैसा लगेगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेपथ्य किसे कहते हैं, रास्ते के सामान को, अपथ वस्तु को, रंगमंच के अग्रभाग को, पर्दे के पीछे के स्थान को, नेपथ्य किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों नेपथ्य कहते हैं अपथ वस्तु को, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, तो यहाँ पर जो से है आपका यही सबसे मेन कॉमन है, तो इसमें क्या क्या कहा जाए कि वाक्य में से, ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को कि वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो आपने पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो जैसे ही अपादान आया तो आपके मन में खट दे हुआ कि अपादान से, तो अपादान से में आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान से। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, ऑप्शंस में देखिए ये रहे, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या कर्म, ये आपको बताना है। क्वेश्चंस क्या है कि घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें जो मेन जो कॉमन है वो है में, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो में किस में आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। अब देखिए अधिकरण में पर आ रहा है तो इसमें जो में जो कॉमन में जो है ना में वो अधिकरण में आ रहा है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37वां, निम्नलिखित में कौन कौनते नहीं है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन। निम्नलिखित में कौन कौनते नहीं है, कौन कौनते नहीं है, नकुल जो है ना ये कौनते ही नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोक्ष की कामना के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, मोक्ष की कामना के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो मोक्ष की कामना के लिए उपयुक्त शब्द होता है मुमुक्षु, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में गद्यांश से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछे जाते हैं। ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और गद्यांश जो है आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप जंग को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। सिर्फ 17 दिन का समय बचा हुआ है, 17 दिन आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम कीजिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद को ऋतुओं के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है कि प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा कैसी है, अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित या शब्द रहित। प्रेम की भाषा है शब्द रहित, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वृक्ष, जंगल, उपवन, पुष्प। अरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अरण का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस, कि यत्न से आशय है, भाषण, रत्न, प्रयास, परिश्रम। यत्न से आशय क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों यत्न से आशय है प्रयास, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण, प्रेम, जीवन, वेद। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, तो गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, गद्यांश किस पर आधारित है, प्रेम की भाषा, जीवन का अरण, सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, किस पर आधारित है, सच्चे आचरण से, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, संचारी भाव, अनुभव, स्थायी भाव, विभाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, जब भी अगर तत्सम शब्द पूछा जाए आपको दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो मच्छिका का तत्सम शब्द क्या होता है, मच्छिका का तत्सम शब्द क्या होगा, मच्छिका का तत्सम शब्द होता है मक्खी, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। इसका संस्कृत में अगर अनुवाद करें तो मक्खी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ा आ, ओ, ए, ए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है ये आपको बताना है, तो मेरे प्यारे साथियों बड़ा आ जो है ना ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। बड़ा आ हुआ, बड़ी ई हुआ, और बड़ा उ हुआ, ऋषि ऋषि हुआ, ए हुआ, ए हुआ, ए ए ए ओ और औ, ओ और औ, तो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वर्दी चाहिए, अगर आपके माँ बाप का सपना है कि आपको पुलिस की ड्रेस में देखें, आपको पुलिस की वर्दी में देखें, तो अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि इस बार ना कोई पेपर लीक होगा ना पेपर आउट होगा, ये लास्ट बार आपके पास ऑप्शन है। अगर जिन लोगों ने पेपर को छोड़ दिया था
किसी कारणवश जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे उन लोगों के पास एक सुनहरा मौका है एग्जाम देने का। ठीक है, 23 एग्जाम स्टार्ट हैं और 31 अगस्त तक एग्जाम जो है वो चलेंगे। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है या, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, वा, रा और ये ला होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या रा ला, या वा रा ला, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए अगर ऑप्शन में वा दिया जाता, रा दिया जाता या ला दिया जाता तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते थे। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और ये व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, या, वा, रा और ला। अगला प्रश्न हमारा कि जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। तो मेरे प्यारे साथियों जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, भावी, गत, विगत, आभास। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता है भावी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, आग, हवा, हवा, आग, हवा, जंगल, जंगल, आग। अनिल, अनल शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही अर्थ होता है हवा, आग, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेक अर्थक है, अभिमान, आयु, अधिक अर्थ। अनेक अर्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अगर आपने आंसर क्लियर कर लिया हो तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अर्थ जो है ना, अर्थ ये आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, तो कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, ये आपको बताना है, ये तो कहीं से भी शुद्ध नहीं लग रहा हमको, और ये भी सही नहीं लग रहा है अनुसरण, ये सही लग रहा है अध्ययन, आगामी भी गलत है, तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए, तो यहां पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा होगा, कर्ता कारक, तो पढ़िए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता पूछा जा रहा है, इसमें जो मेन जो कॉमन है ना वो है कर्ता, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो ने आ रहा है, तो ने कहां पर है, ने ये रहा, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आप याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर, इसी जब याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, देखते ही खन मन में काउंट किया तुरंत। और कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये बात मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में पुरलिंग शब्द कौन सा है, दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। तो नेत्र जो है ना, नेत्र ये आपका पुरलिंग शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है उसे हम पुरलिंग कहते हैं, जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। शोभा जो है ना, शोभा ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, नदी, प्रत्येक, साधु या घर। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका सदैव प्रयोग एक वचन में होता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक में एक वचन में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह जाता है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि वह जाता है, वो जा रहा है, जाता है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, ये तो भूतकाल हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भी भूतकाल हो गया। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल हो जाएगा। लेकिन वह जाता है, वह जाता है, आप देख रहे हैं कि वह जाता है, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में क्रमवाचक का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। पत्र लिखा जाता है, ये इसमें आपका क्रमवाक्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रमवाक्य होगा नहीं, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ रहा है। सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, लेकिन पत्र लिखा जाता है, इसमें क्रमवाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसा वाक्य चुनना है जो कि सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा। जब आप बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैंने यह काम कर लेना चाहिए ना, मैंने नहीं होगा, मुझको यह काम कर लेना चाहिए, मुझको यह काम कर लेना, मैंने नहीं होगा, तो मैंने जो है ये आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्प विराम का चिन्ह है, चूज कीजिए आंसर, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा, ये चिन्ह अपने माइंड में फिट कर लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। षष्ठ पट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, केकड़ा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होनहार विरवान के होत चिकने पात, लोकतृति का सही अर्थ क्या होगा। इसे आप मुआवरा भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, लोकतृति भी कह सकते हैं। तो होनहार बालक के गुण जो है बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा अपने माँ बाप के मुँह से, अपने बाबा दादी के मुँह से, कि बच्चे के होनहार बच्चे के जो पैर होते हैं वो पालना में ही पता चल जाते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में सुना होगा शायद ये कहावत, तो इस हिसाब से तो होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकतृति क्या होगी। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकतृति क्या है, शेर को सवा शेर, एक से एक बढ़कर आपको मिल जाएंगे। अभी आपने किसी और को मारा है, एक दिन आपको भी कोई मिल जाएगा सवा शेर को सवा शेर, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि मान लीजिए स्टेशन पर आपका दोस्त है और उसने और वो आपके दिल आपके लिए दिल के अंदर खुन्नस रखता है, ठीक है, और उसने खुन्नस को निकालने के लिए उस लड़के ने अपने कई लोगों को अपने बुलाए, पांच लोगों को बुलाया, सात लोगों को बुलाया, दस लोगों को बुलाया और आपको मरवाया, ठीक है। तो आपके मन में एक ही बात आई कि एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाएगा, इसको कोई ना कोई कूटेगा एक दिन, वैसे भी समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, शब्दानुवाद। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाता है शब्दानुवाद, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेवाती बोली जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनत, लंबोदर। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, धनत जो है ना, धनत ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धनत जो है ना, ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बल्कि विनायक हुआ, एकदंत हुआ, लंबोदर हुआ, ये गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, खालिस्तान विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। तो ये सभी शब्द जो हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा, ठा, ड़ा, धा या ड़ा, बताइए क्या आंसर होगा। धा जो है ना, धा, ये टा वर्ग में नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, टा वर्ग में कौन क्या क्या चीज आता है? ठा से ठटेरा हुआ, ठा से ठटेरा हो गया, डा से डलिया हो गया, डा से डलिया, ढा से ढक्कन हो गया, और ड़ा खाली हो गया। ये सभी शब्द टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धा से धनुष जो है ना, ये टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि राम धीरे धीरे पढ़ता, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, को वीडियो को लाइक कर दीजिए। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो राम धीरे धीरे पढ़ता है ना, तो राम क्रिया भी कर रहा है और विशेषण भी कर रहा है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न क्या है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, तो लड़का दौड़ता है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। सुंदर जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। प्राण, अब प्राण एक नहीं हो सकते हैं, कई प्राण हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। 75 में आपको 70 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे, तो 75 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।